आप देख रहे हो चंडीगढ़ 39 सेक्टर चौक में खड़े हैं जीरी मंडी, जो हमारे शिवसेना प्रधान संजीव कनौली जी, आप काठ देख रहे हो, यहाँ से कुछ खाना खा के यहाँ से पैदल यात्रा 42 सेक्टर पहुँच के राज्यपाल के पास सौंप मांगे पत्र दे अपने। शिवसेना पंजाब ने आज स्थानीय सेक्टर 42 के चौक से पंजाब के गवर्नर हाउस की ओर नंगे पांव मार्च निकाला। इस बीच मीडिया से बात करते हुए शिवसेना पंजाब के नेता संजीव घनौली और राजीव टंडन ने मांग की कि बंदी सिंहों को रिहा करने से पहले उन पुलिस कर्मियों को रिहा किया जाए जो आतंकवाद के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिन्हें गलत मामलों में फंसाकर जेलों में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि 18 से अधिक पुलिस कर्मचारी झूठे केसों के कारण जेलों में बंद हैं। इसके अलावा 80 से अधिक पुलिस कर्मचारी लंबे समय से झूठे मुकदमे झेल रहे हैं। उप नेताओं ने मांग की कि पंजाब में भी अफीम की खेती की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पूरा भारत एक है तो हर राज्य में कानून व्यवस्था भी एक होनी चाहिए, इसलिए राजस्थान की तर्ज पर पंजाब में भी अफीम की खेती होनी चाहिए, जिससे पंजाब में बहने वाली नशे की नदी को रोका जा सके। चौक से घूम के आप यहीं आएंगे, ठीक है? चौक की बात सुनो, उक्त नेताओं का कहना था कि पंजाब से सटी पाकिस्तान की सीमा को व्यापार के लिए खोला जाना चाहिए ताकि दोनों देशों को व्यावसायिक लाभ मिल सके। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सड़क पर रोके गए शिवसेना के पैदल मार्च को शांत करने के लिए मौके पर पंजाब राजभवन से पहुंचे अधिकारियों ने शिवसेना नेताओं से बात कर उनका मांग पत्र लिया और उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने पर भी सहमति जताई। छड्डिया जावे क्योंकि उन्होंने पंजाब च माहौल ठीक करने वास्ते उन्होंने किसी नूं मारिया भी अत्तवादी नूं मारिया उन्होंने बदौलत अज पंजाब दे विच शांति इत्थे साडे नाल बार्डर ते बंदी सिखां दी रिहाई दे वास्ते मांग कर रहे सीगे ओह भी सिख ने ज़्यादातर ये पुलिस अफसर जो सिख कम्यूनिटी के ने पिछले लिस्ट है तो सब तो पहले इन्हों रिहा किया जाए। सैकेंड साड़ी मंग है जी वे पंजाब दे विच कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई रोज़गार का साधन नहीं है, असी एक फीम की खेती की मंग की राजस्थान की तरज जी राजस्थान इतने जिदा मेडिसन की थान यूज होंगी तो वह बेनीफिट भी मिलता एक किलो चो 30-35 लाख का प्रॉफिट है और किसी भी खेती कमाई नहीं। उस तो बाद तीसरी सी साडे बार्डर खोले गए जो पाकिस्तान वगैरह तो साडा व्यापार बढ़े तो क्योंकि पंजाब व्यापार तो है नहीं नवी कोई इंडस्ट्री नहीं है घट्टो घट असं आह तो कर लिए जी। तो एक साड़ी मंग हैगी पंजाब जोड़े अत्तवाद पीड़ित परिवार है उन्होंने दंगा पीड़ित बराबर मुआवजा मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 781 करोड़ रुपया अलाट किया और हाले तक मिले नहीं क्योंकि ये मंगना अं चाहते गवर्नर साहब ने
ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਜੀ। इस मौके संदीप थापर, सचिन घनोई, ललित शर्मा, अवतार मौर्या, सतीश महाजन, रोहित महाजन, मिक्की पंडित, राकेश भल्ला होशियारपुर, नरोत्म भाटिया डेरा बस्सी, संजीव राजपुरा, संजीव सिंगला, राजेश गर्ग मुक्तसर साहिब, गुरदेव राजपुरा, मुदित भारद्वाज, अमित कौडल, सुमित जासूजा, मंजीत जीती मोरिंडा, सतपाल गांगुवाल, दिनेश भनोट, अमरीश आहूजा आदि शामिल थे। चंडीगढ़ से हरदीप सिंह की विशेष रिपोर्ट। करौली साहब और राजपाल साहब आ गए हैं और आपसे मांग पत्र ले गया, और आपने काफी देर उनका वेट किया था, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो वेट तो चलो असी पंजाब के जेड़े साडा समाज है हमेशा वेट करते आए हैं अपने हक लिए, पर साडी जेड़ी अज डिमांड्स आ वह डिमांड पूरी करन दी सानू जिदा PCS अधिकारी जिहड़े गवर्नर साहब तो आए हैं उन्होंने विश्वास दवाया भी तुहाडियां मंगां दा मंग पत्र असी PM साहब नूं दे के ये मंगां नूं मनाने की कोशिश करांगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगे हुण असी ठीक है पंजाब दे विच जाके अपनी मीटिंग करके शिवसेना पंजाब की ता अगला प्रोग्राम असी तैयार करांगे ते पंजाब दे विच की एजिटेशन करना है अगली रणनीति जिहड़ी साडी जिहड़ी स्टेट लेवल की मीटिंग है उहदे विच फैसला लेंगे। राजपाल को मांग पत्र देने हैं, आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी पहली मांग है कि पंजाब में जिन्होंने आतंकवाद का खात्मा किया उन अफसरों को तुरंत रिहा किया जाए। करीबन 18 लोग जेहड़े जेल में सड़ रहे हैं और 88 लोगों पर मुकदमा चल रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार को इनाम तो क्या देना, उन लोगों को आज जेल में बंद कर रखा है, उनका गुनाह क्या है कि उन्होंने आतंकवाद खत्म किया, पंजाब में शांति बहाल की। दूसरी मांग हमारी है कि पंजाब में खसखस की खेती करने की इजाज़त दी जाए जैसे राजस्थान में। तीसरी हमारी मांग है कि पंजाब के सभी बॉर्डर खोले जाएं, क्योंकि पंजाब में इंडस्ट्री तो कोई आएगी नहीं, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, तो पंजाब के सभी बॉर्डर खुले होंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। और चौथी मांग है हमारी आतंकवाद पीड़ित परिवारों को 7,81,00,000 रुपया जो सेंट्रल सरकार ने पास किया गया है वो तुरंत दिलाया जाए। ये पांच मांगें लेकर आज हम नंगे पैर यहाँ गवर्नर साहब को एक मांग पत्र देने आए थे। हम चाहते हैं कि ये सभी मांगें सेंट्रल सरकार के हक में है, सेंट्रल सरकार तुरंत इनको लागू करे और हमारे जो पंजाब के हालात हैं, क्योंकि पंजाब में आज उन लोगों को रिहा करने की मांग की जा रही है जिन लोगों ने निर्दोष लोगों के कत्ल किए, जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद लाए, आज उनकी सरकार को वोटों के लालच में उनका सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि वो कहीं धरने लगा रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, पक्के मोर्चे लगा रहे हैं, उनको तो सरकार रोकती नहीं, लेकिन जो हमारे जैसे लोग देश हित के लिए सूबे हित के लिए काम करते हैं तो हमें रोका जा रहा है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये सभी मांगे तुरंत मांगे। प्रधान जी आप आज रैली निकाली है और मांग पत्र देना था, तो अभी तो आप लोगों ने दे दिया या शांतिपूर्वक चल रही है, कोई आपका कोई आगे कोई रणनीति रहेगी आपकी? अभी तक तो शांतिपूर्वक चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है हमारी जी जो भी है, और आज चंडीगढ़ प्रशासन ने जो है वो हमारे को यहाँ से आगे नहीं जाने दी है जी। तो पहले तो यही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे को यहाँ से आगे नहीं जाने दी है। तो हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे सिर्फ यही हैं कि जो जो ये सभी बोलते हैं कि बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह कौन, जिन्होंने आतंकवाद फैलाया, जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा, जिन्होंने जो है यहाँ पर आतंक का माहौल पैदा कर दिया, उनको ये बंदी सिंह बोल रहे हैं कि जो भी लोग बोल रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि असली बंदी सिंह जो है वो हैं जिन्होंने आतंकवाद का खात्मा किया था, और जिनको जो पुलिस मुलाजिम जो हैं जो पंजाब की जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके पीछे घरों में बहुत बुरा हाल है ना, हमारी मांग ये है कि उन पुलिस वालों को असली बंदी सिंह जो है उनको आज़ाद किया जाए, उनको रिहा किया जाए। ठीक है।